हथनीकुंड बैराज से 3 लाख यूसेक छोड़ा गया पानी, बुधवार तक खतरे के निशान को पार करेगी यमुना। न्यू अशोकनगर में प्रॉपर्टी विवाद में बच्चों के ऊपर डाला गया संदिग्ध केमिकल, बच्चा बुरी तरह से झुलसा, जीटीबी अस्पताल में चल रहा है इलाज, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। सुभाष रोड गांधीनगर में चोरों के हौसले बुलंद, दुकान का ताला तोड़कर की चोरी, कैश और चांदी के सिक्के चुराए, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की है शुरू। सीलमपुर में 10 साल के बच्चे के साथ हुआ रेप, बच्चे का एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है इलाज, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। और कृष्णनगर में 2 साल बाद बाजारों में फिर से लौटने लगी है रौनक, त्योहारों की शॉपिंग करने आ रहे हैं लोग, दुकानदारों ने कहा लोग ऑफलाइन शॉपिंग करें, ऑनलाइन नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में भारी बारिश के बाद सोमवार को यमुना का जल स्तर 204.5 मीटर के चेतावनी के लेवल से ऊपर पहुंच गया और अगले 2 दिन में इसके और बढ़ने की आशंका बताई जा रही है, अधिकारियों ने जानकारी दी है। दिल्ली बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने कहा कि जलस्तर रविवार सोमवार की दरमियानी रात 1 बजे चेतावनी के लेवल को पार कर गया और सुबह 8 बजे तक ये बढ़कर 204.7 मीटर तक पहुंच गया। नियंत्रण कक्ष ने हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से सुबह 6 बजे 2,95,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी छोड़ने जाने की सूचना दी है, जो इस मानसून सीजन में अब तक सबसे ज्यादा है। बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 2 से 3 दिन लगते हैं। प्रशासन ने अभी बाढ़ की चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन यमुना के आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जलस्तर में और बढ़ोतरी होने के बारे में सावधान किया जा रहा है। बुधवार तक जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली में यमुना का खतरे का निशान 205.3 मीटर है। इस निशान पर पहुंचने के बाद बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है। दिल्ली के साथ साथ पिछले 1 हफ्ते में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तरी हिस्सों में जाकर बारिश हुई है। यमुना में यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में आई बारिश से पानी बढ़ जाता है। इससे दिल्ली में नदी के आसपास के निचले इलाकों के बाढ़ की चपेट में आने की आशंका रहती है। इन इलाकों में लगभग 37,000 लोग रहते हैं। पिछली बार यमुना का जलस्तर 12 अगस्त को 205.33 मीटर के खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था। इसके बाद नदी के किनारे के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। पूर्व दिल्ली के न्यू अशोकनगर में बच्चे के ऊपर संदिग्ध केमिकल डालकर जलाने की कोशिश की गई है, बच्चा बुरी तरह से झुलस गया। परिजनों का आरोप है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते बच्चे के ताऊ ने संदिग्ध केमिकल डाल दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित बच्चे के पिता अनिल का कहना है कि कुछ महीने पहले ही परिवार संपत्ति का बंटवारा हो गया था। बंटवारे के बाद जो अनिल का आने जाने का रास्ता था, उनके भाई दुर्वेश घर से घर के होकर गुजरता था, जिसे लेकर दुर्वेश अनिल से रंजिश पाले हुए हैं, कई बार धमकी दे चुका है। बुधवार सुबह उनका बेटा सुमित 8 साल का जो टॉयलेट में गया था, उसी दौरान उसके ऊपर कोई तेजाब की तरह दिखने वाली चीज उड़ेल दी गई, जिससे सुमित बुरी तरह से झुलस गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अनिल का आरोप है कि प्रॉपर्टी विवाद की वजह से दुर्वेश उन्हें बार बार धमकी देता है, उसी ने उनके बेटे पर संदिग्ध केमिकल उड़ेल कर मारने की कोशिश की है। पुलिस ने फिलहाल 324 धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है और डॉक्टर रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बच्चे के साथ घटना ये हुई है, 1 दिन पहले धमकी दी थी और उसके बाद दूसरे दिन क्या धमकी दी गई थी? यहाँ से निकलेगा तो एक आदमी को जान से मारेंगे। वजह क्या थी धमकी देने की? वजह ये थी कि उनका रास्ते से निकलते हम और जब बंटवारा नहीं हुआ था, जब वही रास्ता चल रहा था, वो अभी भी चल रहा है और बोला था बगल में हम बना के जाएंगे, तो मैं अभी तक हमारा बना के नहीं चोरों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि 3 से 4 दिन
से हो रही बारिश और उसी बीच कई दिनों से टूट रहे गांधीनगर मार्केट के सुभाष रोड दुकानों के ताले जो लोगों के लिए परेशानी का सबब हैं। शाहदरा ज़िले के गांधीनगर थाना इलाके के गांधीनगर मार्केट के सुभाष रोड पर जो दुकानें हैं उनके ताले टूट रहे हैं जिससे परेशान हैं। और अगर बात की जाए मार्केट की तो मार्केट के लोगों का कहना है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। आज सुबह जब मैं दुकान में खोलने आया तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ था। दुकान में रखे 60,000 रुपये और 51 चांदी के सिक्के रखे हुए थे जो चोर चोरी करके ले गए, गल्ला बार छोड़कर चले गए। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच कर रही है। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। मेरी दुकान के ताले टूटे हैं। कहाँ पे है दुकान? मेरी दुकान यहीं पर है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। कौन सी मार्केट? सुभाष रोड मुल्तानी मोहल्ला रोड पर मेरी दुकान है। कितने दुकान के ताले टूटे हैं? दो दुकानों के ताले टूटे हैं। मेरा कैश लगभग 60,000 से ज़्यादा गया है। अच्छा। और मेरे कुछ चांदी के सिक्के थे वो गए हैं। पुलिस आई है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करके गई है। हाँ, मार्केट में कुछ असामाजिक तत्व ज़्यादा बढ़ गए हैं और पता नहीं चल पाता बड़ी मार्केट होने की वजह से कि कौन कैसा आदमी है। ये वही ये ताला तो सुबह 8 बजे शटर खोला जी तब पता चला ताले तो 5-7 दिन से लगातार टूट रहे हैं। ना कोई यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, ना पुलिस की तरफ से कोई व्यवस्था है। ये तो अभी तो सर्दी चालू नहीं हुई है तो ये हाल है। सर्दियों में देखो क्या हाल होगा। अभी कोई शिकायत नहीं करी, अभी आते नहीं। उनकी दुकान पर 10-10 चौकीदार बैठे रहते हैं, मार्केट में कोई चौकीदार नहीं होता। और सालाना जाता है पैसा, हर साल सालाना जाता है, लेकिन सिक्योरिटी कुछ नहीं है प्रधान की तरफ से। पूर्व दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक नाबालिग बच्चे के साथ रेप और मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। पुलिस के मुताबिक बच्चे की उम्र 10 साल है और उसके ही 3 नाबालिग दोस्तों ने उसके साथ मारपीट और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने किया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया है। नॉर्थ ईस्ट जिले के थाना सीलमपुर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 22 सितंबर दोपहर 3:10 पर दिल्ली के LNJP अस्पताल से सूचना मिली कि 3 दिन पहले एक 10 साल के लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिस पर शारीरिक रूप से बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और बच्चे के माता पिता से मुलाकात की, लेकिन उस दौरान बच्चे के माता पिता ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस द्वारा बच्चे के माता पिता से लगातार संपर्क किया गया और फिर पुलिस ने पीड़ित बच्चे के माता पिता की काउंसलिंग की और फिर 24 सितंबर को बच्चे की मां ने इस बात का खुलासा किया कि 3 दिन पहले यानी कि 18 सितंबर को उसके बेटे को उसके 3 दोस्तों द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उसके साथ रेप किया गया, जिसके बाद बच्चा अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। एक बच्चे की माँ के बयान के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि नाबालिग लड़के के साथ मारपीट करने वाले उसके ही पड़ोसी दोस्त हैं जिनकी उम्र भी 10 से 12 साल के बीच है। आरोपी नाबालिग है, सभी आरोपी न्यू सीलमपुर जुग्गी के निवासी हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को पकड़कर JJB के सामने पेश किया, जबकि 2 नाबालिग आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस मामले में छानबीन और पूछताछ कर रही है। वही पीड़ित इस वक्त अस्पताल में भर्ती है जहां उसका इलाज किया जा रहा है। त्यौहार जैसे जैसे हमारे बीच आते जा रहे हैं बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बाजारों की रौनक वापस लौट आई है जो पहले नहीं थी। कृष्णनगर मार्केट में लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं और दुकानदारों का कहना है कि रौनक लौटने लगी है। फिर भी हम लोगों से कहते हैं कि वो लोग ऑफलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करें, ऑनलाइन शॉपिंग कम करें। देखिए, 2 साल के बाद बाज़ारों में रौनकें तो आ चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके साथ साथ कोरोना का असर भी अब थोड़ा सा कम हो चुका है। हालांकि असर ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कम हो चुका है। फिर भी हमारे दुकानदार भाइयों से हमारी विनती यही है कि जो भी कोरोना के नियम लागू हुए थे उनके आप पालन जरूर करते रहें, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का है, चाहे वो मास्क का है, और लोगों को भी बताते रहें। और ऐसी बात नहीं, लोग भी जागरूक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जब रास्ता पर सड़कों पर चलते चलते लोग मास्क उतार देते हैं तो उनसे भी मेरी विनती है कि भले ही कोरोना का असर ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी उसकी आप पालन उसका करते रहें। अब देखो, 2 साल जो कोरोना में दहशत में बीते हैं लोगों की, अब थोड़ी रौनक आनी शुरू हुई है। बाहर के होलसेल के व्यापार भी हमारा गांधीनगर में, उसमें व्यापारी आना शुरू हुआ है। अब तो कोरोना से थोड़ा हट के लोग खरीदारी करने बाज़ार में आ रहे हैं। कितने ग्राहक आ रहे हैं आपके पास अगर बात की जाए? अभी तो 50% ही बाज़ार में रौनक आई है, क्योंकि ये नवरात्रे आज से शुरू हैं, कल से हमारा बाज़ार खुलेगा मंगलवार से, तो उसमें थोड़ी रौनक बढ़िया लगेगी।
देखिए कि व्यापार में थोड़ी सी वृद्धि तो आई है, आप कहें कि व्यापार 50% अभी चालू हुआ है, लेकिन कि कोरोना जैसे फेस्टिवल चालू हुए, हम व्यापारियों को भी यही रोज़ कह रहे हैं कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, वायरस अभी है। लोगों का क्या है कि प्रिकॉशन जरूरी है, वायरस जो होता है एकदम ख़त्म नहीं होता। WHO ने भी 2025 तक कहा हुआ कि ये वायरस रह करेगा। व्यापारियों को चाहिए कि आने वाले टाइम में जो भी कस्टमर दुकान पे आता है उसको भी सैनिटाइजर मास्क वगैरह लगा के रखें कि आने वाले टाइम में कोरोना बढ़ेगा तो व्यापार फिर जो 50% चालू है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत रौनक थी बाज़ार में, ऐसे पहले नाते हुए आज भी रौनक है और ऐसी रौनक लगाए रखें। और आपसे विनर अपील और मिनती है मेरी कि परिवार के साथ बाहर निकलें, बाज़ारों में रौनक लुटाएँ, कृपया परिवार के साथ दुकानों पर आएं, बाजार में आएं और बाजार की रौनक बढ़ाएं। यमुना पार में कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है, अस्पताल में कोरोना के मामलों की संख्या भी काफी कम है। यमुना पार के 3 सरकारी अस्पताल में कोरोना के मरीजों की संख्या 2 है। GTV अस्पताल में 450 बेड पर 3 मरीज भर्ती है। राजीव गांधी अस्पताल में 300 पदों पर 1 मरीज भर्ती, मतलब 300 बेड पर। ESI अस्पताल में 18 बेड्स पर 1 मरीज भी भर्ती नहीं है। यमुना पार के प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो यमुना पार के सभी प्राइवेट अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या 5 भी नहीं है, उससे कम है। कोरोना काल में बनाए गए GTP अस्पताल में कोविड सेंटर बंद कर दिया गया है क्योंकि केस कम हो गए हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो कोविड सेंटर बना था फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है। GTP अस्पताल के डायरेक्टर ने बताया कि रामलीला मैदान बने कोविड सेंटर में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जा रहे थे अब उनको अस्पताल में इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि कोविड सेंटर जो रामलीला मैदान में बना था उसको बंद कर दिया गया है। देखिए ओमिक्रॉन की वेव के दौरान हमने जो भी जितने दिन वो रहा उस दौरान उन पेशेंट्स को रामलीला ग्राउंड में ही ट्रीट किया। ऑल्दो के एडमिशन बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन डर था उस टाइम के शायद ओमिक्रॉन की वेव बहुत फास्ट आएगी और बहुत तेज़ आएगी और रैपिडली बहुत सारे पेशेंट आ जाएंगे, लेकिन भगवान की दया से ये सब कुछ अच्छा हुआ कि वहाँ हमारे पास ज़्यादा एडमिशन नहीं हुए थे। और ये चीज़ देखते हुए कि अब लोगों में इम्यूनाइजेशन हो गया, लोगों में बार बार इन्फेक्शन हो गया तो लोगों की इम्यूनिटी बेटर है, हमारे देश में लोगों की इम्यूनिटी बेटर है, तो हम ये प्रिडिक्ट करें कि शायद फ्यूचर में जो कोरोना आएगा वो बहुत कम सीवियरिटी का आएगा और एडमिशन कम्पेटली नहीं होंगे। तो ये सोचते हुए गवर्नमेंट ने हमें मतलब एक किस्म से आदेश दिया कि हम कोरोना हॉस्पिटल को डिसमेंटल कर सकते हैं, तो उसी लाइन पे हमने कोरोना हॉस्पिटल को डिसमेंटल करवाया है और उसके जो बेड और जो भी सामान है जो इस हॉस्पिटल में हम यूज़ कर सकते थे यूज़ करने में उनको ले लिया गया, बाकी का हमने यहीं पर स्टोरेज में रख दिया ताकि जो नया हॉस्पिटल हमारा आ रहा है हम उनको वहाँ पर भी यूज़ कर सक पाए। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मीनगर की चुंगी से लेकर विकास मार्ग तक अवैध निर्माण और अवैध कब्जे की भरमार है। इस वजह से ललिता पार्क निर्माण बिहार तक पूरी तरह जाम रहता है, ट्रैफिक रेंगते हुए चलता है, लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना हर रोज करना पड़ता है। पीक आवर्स में तो लोग ऑफिस के लिए भी लेट हो जाते हैं। विकास मार्ग से करीब 1.5 किलोमीटर तक अवैध निर्माण है। फुटपाथ के पास ई रिक्शा और रिक्शा खड़े होते हैं जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। इलाके के लोगों ने कई बार इस समस्या को लेकर प्रशासन से शिकायत की पर प्रशासन ने इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन विकास मार्ग सकरपुर का ये क्षेत्र है सर, यहाँ पर अतिक्रमण का ही एक तरह से अधिकार है। तमाम तरह के कोचिंग सेंटर हैं यहाँ पर, दुकानदारों ने अपने आगे दुकानें आगे बढ़ा बढ़ा कर, इतनी अंदर दुकान नहीं है उनकी जितनी उन्होंने आगे बाहर तक बढ़ा ली है। कोचिंग सेंटर ने पार्किंग के लिए अपने को इंतजाम नहीं कर रखा, स्कूटर आड़े टेढ़े लगा देते हैं, स्कूटर जो पार्किंग है स्टूडेंट जो अपने वाहन लेकर आते हैं। स्थानीय निवासियों का जैसे कोई भी अधिकार नहीं है, गाड़ी से निकलना तो बहुत दूर की बात है, पैदल निकलना भी यहाँ से बहुत ही मुश्किल है, एक तरह से नामुमकिन है। यहाँ पर गाड़ी से निकलना तो दूर, पैदल चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हमने शासन प्रशासन पर बहुत सारी शिकायतें दर्ज कराई लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसका कारण विकास मार्ग पर गाड़ियों द्वारा चलने तो दूर, पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। यदि रेहड़ी वालों से हटने के लिए कहा जाए तो वो लड़ाई झगड़े पर तारू हो जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इसको मनाया जा रहा है। तमाम इलाकों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शाहदरा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया जिसमें तमाम जांचें की गई। शिविर में उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे, उन्होंने अपनी आँखों का जाँच करवाई है। और आपको बता दें प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हर साल इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं और सेवा रूप के रूप में मनाया जाता है।
नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे जो पखवाड़ा चल रहा है उसमें हेल्थ कैंप लगाए हैं, और मैं यहाँ देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों से लेके माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा सभी लोग आज स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ये सेवाएं ले रहे हैं। देखिए, मैं आज के अलावा आपको, मोदी जी का जन्मदिन था 17 अक्टूबर को, उस दिन 4000 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है पूरी दिल्ली के अंदर। हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से ही 1500 यूनिट हमारे 14 जिलों के अंदर हुई। उसके बाद अलग अलग आयोजन रहे जिसमें कहीं आई कैंप और कहीं बोन डेंसिटोमीटरी के कैंप अलग अलग रहे, लेकिन कल 24 और 25 तारीख को हमारे 14 के 14 जिलों में हर एक में 4 से 5 कार्यक्रम हो रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट आए हैं, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ENT, आई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, कोई भी स्पेशलिटी को आज हमने छोड़ा नहीं है। और आज सुबह से हजारों लोग आज मुझे लगता है इसका फायदा उठाएंगे। पूरे देश में नवरात्रि की धूम है, जगह जगह माता रानी का गुणगान किया जा रहा है। पूर्व दिल्ली के मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्त माँ को मनाने के लिए हर प्रयत्न कर रहे हैं, माँ को मनाया जा रहा है, भगवान माता को मनाने के लिए दूर दूर से लोग मंदिरों में आ रहे हैं। देखिए सीसीएन लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। पूरे देश में नवरात्र की धूम, मंदिरों में लगी लंबी लंबी कतारें, जगह जगह किया जा रहा है माँ भगवती का गुणगान। भवानी हाथी पर सवार होकर आई है और हाथी पर ही होगी विदाई। माँ के हर स्वरूप से पूजा करने का है विशेष महत्व। आखिर क्यों जलाई जाती है घर में अखंड ज्योत? नवरात्र के दौरान कौन से काम नहीं करने चाहिए? नवरात्र की हर जगह धूम देखी जा रही है। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और माँ दुर्गा का गुणगान किया जा रहा है। माँ भवानी की भक्त विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान माँ आदिशक्ति के समस्त स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन माँ के एक रूप की पूजा करने का विधान है। इन 9 दिनों में पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि नवरात्र के दिनों में पूजा पाठ से जीवन की तमाम बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए अगर आप अपना और अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं तो नवरात्रि के 9 दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।